तो भाई कांड हो गया। लोकी सीजन 2 का टीजर कल इंटरनेट पे लीक हो गया। जब मैंने इसे काफी देर बाद देखा और मार्वल ने भी इस पे काफी देर बाद एक्शन लिया। और भाई तुम तो जानते हो कि जो चीज इंटरनेट पे एक बार चढ़ गई वो चढ़ गई। तो इंटरनेट दादा की कृपा से हमने भी वो टीजर देख लिया। और जब इंटरनेट ने इसको नंगा कर ही दिया है तो हम अपने हाथ पीछे क्यों खींचे। तो चलो भाई हम भी देख लेते हैं कि इस टीजर में ऐसा क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टीजर 2 मिनट के आसपास है, जहाँ इसकी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहाँ पे लोकी का सीजन 1 एंड हुआ था। सिल्विन ने अपने लोकी भैया का कार्ड दिया और वो निकल गई। जहाँ अपने लोकी भैया टीवीए में पहुंच जाते हैं, पर ये वो वाला टीवीए नहीं है जो पहले हुआ करता था। जहाँ वो लोगों को सच्चाई बताना चाहता है पर वो बता नहीं पा रहा। जैसे कि हम ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में टीवीए की डायरी है। पर जैसे ही वो उसे बात करने की कोशिश करता है लोकी ग्लिच होना शुरू हो जाता है। जब भाई लोग ये बात सोचने वाली है कि टीवीए तो टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता है तो वहाँ लोकी ग्लिच कैसे हो सकता है। मे बी कैंग के किसी वेरियंट ने लोकी का पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस ही मिटा दिया हो और इसी वजह से शायद वो ग्लिच कर रहा है। वैसे पॉसिबल है, मल्टीवर्स है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ लोकी अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि उसने टाइम में ऐसी ऐसी चीजें देख ली है इस ग्लिच की वजह से जो उसे देखनी नहीं चाहिए थी। उसे ऐसा लग रहा है कि वो टाइम में पुल हो रहा है, तो शायद मेरी थ्योरी सच हो जाए। बट एनीवे आगे वो टीवीए के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये टीवीए सब फेक है और इसको कोई टाइम कीपर्स नहीं बल्कि कैंग चला रहा है। जब ट्रेलर के शॉर्ट्स को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उसकी बातों पे कोई यकीन कर रहा है। जब प्रोबेबली सभी टीवीए वाले मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे और शायद इसी भागदौड़ी में उसके हाथ ब्रूमस्टिक लग जाती है और वो अपने पास की ही वॉल को पेनिट्रेट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि कैंग द फकिंग कॉन्करर है। और हाँ, हो सकता है कि ये कैंग का एक अलग वेरिएंट हो, वो नहीं जो हमें कैंग डायनेस्टी या एवेंजर्स 5 में देखने को मिलेगा या फिर एंडमैन एंड द क्वांटमेनिया में। फॉर श्योर लोकी का सीजन 2 एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को मैनिपुलेट करेगा। वेल होप तो काफी सारी बांध के चल रहा है पर पता नहीं इनमें से कितनी सही होंगी। पर भाई कुछ भी हो अपन फैन थ्योरी बनाना बंद नहीं करेंगे। एनीवे आगे के कुछ शॉर्ट्स में हमें मॉर्बियस और लोकी साथ में देखने को मिलते हैं। सो अपन शायद ऐसा मान सकते हैं कि मॉर्बियस को लोकी की बात पे भरोसा हो गया है क्योंकि उसके जेट्स की भी तो लेनी है। सॉरी बैड जोक। इसके बाद लोकी और मॉर्बियस हमें कुछ ऐसी जगह पे देखने को मिलते हैं जहाँ आसपास काफी सारी बोट्स है। कहीं सच में तो जेट्स की खरीदने नहीं आए। एनीवे आगे हमें मॉर्बियस और लोकी एक आदमी से मिलते नजर आते हैं जो कि एक फेमस एक्टर है। मुझे नहीं पता अभी एक्टर कौन है बट फेमस है। ये आदमी अपने लोकी को चिट्ठी, पर्चा या लव लेटर जो भी है वो देता है। इसके बाद लोकी हमें टीवीए की सिटी में फ्लोट करता नजर आ रहा है या फिर वो गिर रहा है। हो सकता है कि वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हो क्योंकि ऑब्वियसली यार वो टीवीए कोई मॉल तो है नहीं कि मुंह उठा के घूमोगे और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और ऊपर से ये लोकी है तो कांड तो करेगा, तो शायद इसी वजह से टीवीए वाले इसके पीछे है। तो गुरु कुल मिला के स्टोरी कुछ इस प्रकार हो सकती है कि ही हू रिमेंस के मरने के बाद टीवीए को कैंग किसी और वेरिएंट ने टेक ओवर कर लिया है, जिसके बाद वो सभी की रियलिटीज रीराइट कर रहा है ताकि पूरी मल्टीवर्स पे वो डोमिनेट कर पाए। और क्योंकि अब मेरी सिल्विन ने अपनी ही हू रिमेंस दादा के काम डाल दिए हैं, तो अब लोकी, मॉर्बियस और सिल्विन तीनों को मिलकर कैंग के इस वेरिएंट को रोकना होगा या फिर प्रीटी मच ऐसा ही कुछ हो सकता है। पर फिर भी ये तो सिर्फ मेरी थ्योरीज है, तो ये सही भी हो सकती है और गलत भी। पर आप क्या सोचते हैं, क्या आपके पास इसके बारे में कोई थ्योरी है या फिर आप इसको पूरी तरीके से इग्नोर ही करना चाहते हैं, उसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मजा भी आएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग वी कैन एक्सप्लेन।